टनल हादसे को 4 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये क्षेत्र के ईष्ट देवता भगवान बौख नाग की उपेक्षा के कारण हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी में 40 जिंदगियां पिछले 4 दिन से सुरंग के अंदर फंसी हुई हैं। सरकार की तमाम कोशिश के बाद भी अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता नहीं मिल पाई है। आज 5वें दिन अब नई मशीन से ड्रिल करने की कोशिश हो रही है। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये इष्ट देव भगवान बौख नाग का प्रकोप है। टनल के ठीक ऊपर जंगल में बौख नाग देवता का मंदिर है। कंपनी ने जंगलों से छेड़छाड़ कर टनल बनाना शुरू किया और बदले में कंपनी ने टनल के पास मंदिर बनवाने का वादा किया था, लेकिन 2019 से अभी तक मंदिर नहीं बनवाया। और टनल साइट पर कुछ दिन पहले ग्रामीणों के बनाए मंदिर को भी तोड़ दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि ये देवता का प्रकोप है और इसी वजह से ये हादसा हुआ है। तो इन लोगों ने देवी देवताओं के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया है। पहले बोला है कि हम करेंगे, बाद में नहीं किया है। बाद में जो जगह मंदिर के लिए चयनित करी हुई थी देवता ने, उसको फेंक दिया गया। कंपनी को भी अब लगता है कि कहीं सच में ऐसा तो नहीं है, इसलिए टनल साइट पर बौख नाग देवता के पुजारी को बुलाकर बुधवार को पूजा कराई गई और संकल्प लिया गया कि ऑपरेशन सफल होते ही देवता का मंदिर बनवाया जाएगा। तो मतलब इसमें बहुत बड़ा आगे क्या इसमें सही चीज वो कम है, क्योंकि यहाँ पे जो है देवता की ये कृपा है पहली कि यहाँ पे थोड़ा जो है ये नगलनाग हमारा जो है वासुकी नाग जो है इसने पूरी बारात जो है विश्वरानी पूरी बारात तो जो है घेर दी। बुधवार को सिलकियारा टनल ऑपरेशन साइट पर पहुंची टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी भी भगवान बौख नाग देवता से प्रार्थना करती नजर आई। उन्होंने भी ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि भगवान बौख नाग देवता का मंदिर बनवाया जाएगा। ये भी अलग कुछ पूजा होना चाहिए और मैंने बोल दिया है हमारे यहाँ बौख नाग का जो मंदिर है उसकी भी थोड़ा सा अलग कुछ पूजा भी करें। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं।